स्कूल खत्म करने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट की इच्छा यही होती है कि वे किसी अच्छे डिमांडेड कोर्स में एडमिशन ले जो एक या दो साल का हो और जिसको खत्म करने के बाद उन्हें एक अच्छी सैलरी वाली नौकरी मिल जाए। अगर आप भी ऐसे ही सोचते हैं तो आपके लिए ITI एक बेस्ट ऑप्शन है। ITI में कई कोर्सेस ऐसे है जिनकी इंडिया में काफी अच्छी डिमांड है और जिसे आप कम्प्लीट करके एक अच्छी सैलरी वाली नौकरी पा सकते हैं। कुछ ITI कोर्सेज जिनकी भारत में हाई डिमांड है जैसे फिटर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, मोटर व्हीकल मैकेनिक, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, टूल एंड डाई मेकर्स, मैकेनिक इलेक्ट्रॉनिक। अगर कोर्सेज में दाखिला लेने से पहले हमें कोर्सेज का संपूर्ण ज्ञान होता है तो हमें सही कोर्स चुनने में काफी आसानी होती है। इस वीडियो में हम ये संक्षेप में जानने की कोशिश करेंगे ये कोर्सेज किस प्रकार से हाईली डिमांडेड है ताकि हम अपने अनुसार सही कोर्स को चुन पाए। आमतौर पर अगर इंडस्ट्री में फिटर के कार्य को समझने की कोशिश करें तो ये फैक्ट्री में मशीन के टुकड़ों को बनाने, उन्हें रिपेयर करने जैसे कामों में अपनी दक्षता दिखाते हैं जिसमें धातुओं का ग्राइंडिंग, कटिंग, शेपिंग इत्यादि किया जाता है। इस कारण से भारत में फिटर एक डिमांडेड कोर्सेज की लिस्ट में आता है। इलेक्ट्रीशियन भी एक डिमांडेड कोर्स है क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रीशियन का काम सभी जगह होता है, फैक्ट्री में, घर में, गैरेज में। मोटर मैकेनिक एक डिमांडेड जॉब है क्योंकि दिन प्रतिदिन मार्केट में गाड़ियों की संख्या बढ़ती ही जा रही है, अतः मोटर की जांच परख के लिए मोटर मैकेनिक की आवश्यकता होगी। आज के डेट में रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनर का जॉब हाईली डिमांडेड क्यों है ये बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आज रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर के बिना दुनिया चल ही नहीं सकती। उसी तरह से टूल और डाई मेकर की भी आवश्यकता होती है फैक्ट्री में अलग अलग टूल और डाई के निर्माण और मरम्मत के लिए, क्योंकि धातु का कोई भी चीज का निर्माण करने के लिए धातु को काटना और जोड़ना आवश्यक होता है, अतः वेल्डर धातु को जोड़ने का काम करता है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक कोर्स में इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर के बारे में सिखाया जाता है और ट्रेनिंग दी जाती है। प्लम्बर के कोर्सेज में प्लम्बिंग सिस्टम इंस्टॉलिंग, मेंटेनिंग, माइनर रिपेयर जैसे काम सिखाया जाता है। प्लम्बर सीवेज और ड्रेनेज सिस्टम में प्रॉब्लम को भी सही करता है। ज्यादातर स्टूडेंट ITI में इसलिए भी एडमिशन लेते हैं क्योंकि इसके स्किल से उन्हें अपना व्यापार करने में भी मदद मिलती है।